एक कोर्स होता है नंबर वन, इसका नाम है स्किल्ड प्रो, यानी कि ये VA की ट्रेनिंग होती है अमेजोन की, लेकिन ये बड़ी एडवांस लेवल पे होती है। दूसरा कोर्स कितने का? दूसरा है HC, और उसमें हम कंप्लीट HC के ऊपर बिजनेस करना सिखाते हैं। अच्छा, अगर किसी ने पूरा कोर्स पढ़ा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कमाने लगेगा? 80% 90% होते हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज कि वो गिव अप ना करें। अगर वो गिव अप कर देता तो फिर एक इशू है यहाँ। इसके अलावा ESP अब इंटर्नशिप्स भी दे रही है, और वो भी पेड होगी। ESP नहीं देगी, क्लाइंट के साथ उसको हुक कराएगी। जो क्लाइंट्स हमारे, क्योंकि क्लाइंट्स बेशुमार हैं, और वो क्लाइंट्स इनको पे करेंगे स्टाइपेंड, जिसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा के साथ हूँ, और हुज़ैफ़ा जो है वो किस चीज़ की फ्रेंचाइज़ी देता है? मुझे ट्रेनिंग अमेज़न, ईबे, एटसी, पूरी ई कॉमर्स और ट्रेनिंग सेंटर, जैसे अरीना मल्टीमीडिया था कह सकते हैं, उसी तरह आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है। कितने हो चुके हैं अभी तक? 13 ऑपरेशनल है, बाकी 3 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाह। एक कोर्स होता है नंबर वन, उसका नाम है स्किल्ड प्रो, यानी कि ये VA की ट्रेनिंग होती है अमेज़न की, लेकिन ये बड़ी एडवांस लेवल पे होती है, सिर्फ होलसेल लेवल। उसकी फीस क्या होती है ट्रेनिंग की? 35,000 रुपीज। कितने दिन की? 2 months की ट्रेनिंग होती है। 35,000 रुपए। रोज की कितने घंटे की होती है? हफ्ते की होती है? हफ्ते की क्लासेस होती है तकरीबन 6 घंटे की। हफ्ते की 6 घंटे की क्लासेस होती है? हर रोज आना होता है? नहीं, ट्वाइस अ वीक। 2 से 3 घंटे। ठीक हो गया। तो उसके हम फीस है 35,000। दो कोर्सेज हो गए। अच्छा, पहला कोर्स था 35,000 का, दूसरा कोर्स कितने का? दूसरा है HC, और HC का सक्सेस कैंप होता है, वो भी 35,000 रुपए का है, और वो भी 2 महीने का है। उसमें हम कंप्लीट HC के ऊपर बिजनेस करना सिखाते हैं। अच्छा, अगर किसी ने पूरा कोर्स पढ़ा और सारी क्लासे भी अटेंड करी और तवज्जो भी दी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कमाने लगेगा? 80% 90% होते हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज कि वो गिव अप ना करे। अगर वो गिव अप कर देता तो फिर एक इशू है यहाँ पे। अच्छा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट का कोई तरीका होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन या पेमेंट, उसके लिए कोई सपोर्ट का प्लेटफॉर्म है? जी, वो 2 महीने के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 1 साल की मेंटोरशिप भी है हमारी। यानी कि मेंटोरशिप से मुराद ये होती है कि अब हम उसको वो ट्रेनर जो सिटी लेवल के हैं वो उसको मेंटोरशिप भी देंगे, अगर वो कहीं फंसता है। वहीं वाला? हाँ, वो कैंप फ्रेंचाइज कोई सेंट्रल वाला नहीं है? सेंट्रल सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि वो मेन ग्रुप के अंदर भी होते हैं, जो स्टूडेंट्स का मेन स्लैक के ऊपर ग्रुप होता है, तो वहां से भी उनको हेल्प हमारी तरफ से भी मिल रही होती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनर की होती है सिटी की। बाकी इसके अलावा फिर आगे नए प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग, फाइवर, ये भी शुरू हो गया है। ईबे का प्रोग्राम भी है, वो बहुत सस्ते होते हैं और छोटे प्रोग्राम होते हैं, ताकि उसमें लोग कम से कम कोई $400-500 या इस तरह पैसे बनाना शुरू कर दें। मकसद ये है उसका, वो 12,000 रुपए उसकी फी होती है, 1 month का प्रोग्राम होता है। इसी तरह फाइवर का मैंने आपको जैसे बताया, फ्रीलांसिंग, कैनवा, ये सब स्टार्ट इंशाल्लाह हो रहा है। तो एक ये चीज भी है, इसके अलावा ESP अब इंटर्नशिप्स भी दे रही है, और वो भी पेड होगी। यानी कि ESP नहीं देगी, क्लाइंट के साथ उसको हुक कराएगी। जो क्लाइंट्स हमारे, क्योंकि क्लाइंट्स बेशुमार हैं, सही, और वो क्लाइंट्स बेसिकली इनको पे करेंगे स्टाइपेंड, जिसे कहते हैं, मतलब एक छोटी सी रकम होती है 2 महीने ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, 10,000 20,000 50,000 कुछ मिल जाए? हाँ, 20,000 रुपए के आसपास होगा, सजेस्टेड ये होता है। बाकी इसके अलावा अगला बंदा अगर परफॉर्मेंस दिखाएगा स्टूडेंट, और क्लाइंट उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड करे या हायर पे करे, तो डेफिनेटली वो तो हो सकता है। ठीक है, इनके सारे कोर्सेज skillpanda.com पे मुफ्त में अवेलेबल हैं। आप अपनी दुकान खुद खोल सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, घर पे सीख सकते हैं। आपको इनको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देना चाहते हैं और फिर भी इनका सिस्टम लेना चाहते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, ठीक है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।